इस शो के आते ही देश के हर शहर गली मोहल्ले में उठा एक तूफान। वो है दुनिया का सबसे बड़ा सिंगिंग शो एक्स फैक्टर। यहाँ ना उम्र की कोई सीमा है और ना तो शैली का बंधन। अकेले गाने वाले हो या जोड़ियों या ग्रुप्स में आजमानी हो किस्मत, हजारों की भीड़ के सामने होंगे लाइव ऑडिशन। ये है सबसे अलग, सबसे बड़ा म्यूजिक शो एक्स फैक्टर, जिसके ऑडिशंस का शुभारंभ है आज मुंबई में। ये शहर है सपनों का, उम्मीदों का, यह है लाखों की कर्मभूमि और आज इस शहर के पास है एक नया मौका। जी जान से दिखा देगा मुंबई के उसके पास है कितना एक्स फैक्टर। कंटेस्टेंट्स तैयार है, जुनून भरपूर है, हौसले बुलंद है और मुंबई है फुल टू जोश में। और एक्स फैक्टर की हकीकत के बीच खड़े हैं तीन महारथी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक्स फैक्टर इंडिया में लॉन्च हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया ने इससे बड़ा शो आज तक कभी टेलीविजन पर नहीं देखा होगा। मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा सिंगिंग स्टार जो बनेगा करोड़ों लोगों का पहला सिंगिंग आइकन। एक्स फैक्टर क्या है वो मैं भी तलाशने की कोशिश में हूँ कि कोई नया एक स्टार आ जाए। एक लता मंगेशकर कहीं भी आएगी। ऑडिशंस में तो जजेस मिलकर एक मकसद के लिए मेहनत कर रहे हैं, देश के बेस्ट टैलेंट को मुंबई लाना। पर जल्द ही इनकी अपनी अपनी टीम होगी और ये खड़े होंगे एक दूसरे के टक्कर में। जजेस में ही नहीं, खचाखच भरे ऑडिटोरियम में जोशो खरोश की इंतहा है। सबको यकीन है कि म्यूजिक का पहला मेगा स्टार मुंबई से ही होगा। और इस आजमाइश का पहला दावेदार कौन है? मेरा नाम एरिक रोस्टन है और मेरी एज है 28 इयर्स। म्यूजिक 4 साल सीखा है मैंने। मुझे बॉम्बे में आए हुए करीब 3-4 साल हो गए हैं और इन 3-4 सालों में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। फैक्टर मेरे लिए जितना बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए खासतौर से मेरे फैमिली के लिए और मेरे करियर के लिए, 2 मिनट कई सालों के मायने रखते हैं मेरे, क्योंकि अगर वो 2 मिनट चले गए तो कई साल कुछ पता नहीं कि उसके बाद क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे लिए ज़िंदगी से बढ़ के हैं वो 2 मिनट। पहली बार इंडिया सामना कर रहा है ऐसे ऑडिशंस का जहाँ कंटेस्टेंट्स को तीनों जजेस के साथ साथ हजारों की ऑडियंस को करना है इम्प्रेस। जिंदगी के पहले ही बड़े मौके पर इन्हें गाना है म्यूजिक ट्रैक पर। नमस्ते। 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 मेरा नाम एरिक है। ओके। और आप कहाँ से? मैं कानपुर से हूँ एक्चुअली। व्हाई आर यू हियर एट एक्स फैक्टर? क्या आप यहाँ पे उम्मीद लेके आए हैं? जिंदगी को बनाना है और अपने आप को प्रूव करना है। आप ऐसे अकेले आए या आपके साथ कोई आए? मेरे साथ मेरे पेरेंट्स आए हैं, वाइफ है, मेरी एक छोटी बेबी है। Let's hope you sing well. Thank you. All the best. Thank you, sir. तू है कहाँ
जुदा ना होंगे हम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ। Eric, yes sir. I like your singing. Thank you, आप sir. में आपकी आवाज बहुत ब्राइट है, आपकी आवाज में पंच और थ्रो बहुत अच्छा है, तो so absolutely fabulous. What do you do? आप करते क्या? रोने के अलावा टीचिंग कर रहा हूँ. यहाँ पर स्ट्रगल करने आया तो बॉम्बे में, अभी तक कुछ चांस तो मिला नहीं, लेकिन टीचिंग कर रहा हूँ स्कूल में, बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाता हूँ. क्या सिखाते हैं? वेस्टर्न क्लासिकल सब थोड़ा बहुत. नो एरिक, आई थिंक देयर इज समथिंग हियर, बट लेट्स सी व्हाट सोनू जी हैज टू से. यस सर. मैं देख सकता हूँ कि प्रॉपर एनवायरनमेंट, जब आप यहाँ के यूज्ड हो जाएंगे, जब आप हमसे अभ्यस्त हो जाएंगे, जब आप बाकी कंटेस्टेंट से अभ्यस्त हो जाएंगे, जब आप अपने काम में पूरा ध्यान देंगे तल्लीन होकर, तब आप मेरे ख्याल से एक्स फैक्टर के बहुत इम्पॉर्टेंट नाम बनने वाले हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो. बिल्कुल. तो आपसे बहुत उम्मीद है मेरी. थैंक यू सर. आपके गाने ने मेरा दिल को छुआ, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड आई सी ग्रेट पोटेंशियल इन यू. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. सो सोनू जी आप बताइए. चलिए ले आते. मैं बोल रहा हूँ श्रेया जी. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. So I think struggle के थोड़ा कम होना का chances है आपके अभी, आहिस्ता आहिस्ता. आपको 3 years है, so God bless you. See you in the next round. क्या करूँ? होले होले जो मेरा दिल का. Eric ने मुंबई को एक जबरदस्त शुरुआत दी. धीमे धीमे से नशे में जो है ज़िंदगी. क्या करूँ? धीरे धीरे मैं बहका जा रहा हूँ. क्या करूँ? अभी गले में भले नहीं आ रहा उतना ज़्यादा, बट इसको समझ तो है. हाँ, अच्छा लगा मुझे. ये स्ट्रॉन्ग है बंदा. ये कितना मायने रखता है आपके लिए? जिंदगी में सबसे बड़े अचीवमेंट अभी तक का है मेरे लिए. और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे आप इस शो में और कुछ अचीव करते जाएं, बहुत कुछ. ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस. दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक रियलिटी शो है, और वो इसीलिए है क्योंकि वो सबसे अलग है. यहां मुकाबला सिर्फ 16 से 30 साल के सोलो सिंगर्स के बीच नहीं, यहां मुकाबला है ओपन 3 कैटेगरीज के बीच, 16 से 25, 25 एंड अबव और ग्रुप्स. पहली बार इतने बड़े मंच पर ग्रुप्स को मौका मिला है. क्या कमाल दिखाएगा मुंबई का पहला ग्रुप? यंग, फन, हैप्पी. आपके ग्रुप का नाम क्या है? निर्मिती. कैसे मिलना हुआ आप सबका? हम सब मुंबई यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में मिले, देन वहीं पर हमने ग्रुप में रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे. अच्छा. एंड वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई. बहुत अच्छी बात है. और ये याद रखिएगा कि कंपटीशन बहुत टफ है. आई होप ऑल ऑफ यू डू वेरी वेल. आप अच्छा करें इस कंपटीशन में. ऑल द बेस्ट.
हेलो हेलो दिस इज माई ग्रुप. हमारा ग्रुप का नाम है निर्मिती. इट मीन्स द क्रिएशन. सो आज हमने एक छोटी सी कोशिश की है एक रेट्रो गाने को अपनी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए. ओके लेट्स होप दैट यू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. डेफिनेटली. बैंड में काम किया गया अपने ऊपर डायनामिक्स पे काम किया गया है हार्मनीज पे काम किया गया है. इससे बेटर हो सकता है लेकिन फॉर स्टार्टर्स इट्स फैबुलस. गाइस आई थिंक इमेजिनेशन मैटर्स. आपने कुछ नया ट्रीटमेंट किया वो गाने को. आपने कुछ अपना खुद का इनपुट दिया. दैट अप्रोच दैट एफर्ट इज वेरी गुड एंड आई थिंक ब्यूटिफुली डन. Brilliant. I was having such good fun. Thank you, ma'am. Wow. साथ में कर दे. कर दे. Yeah. See you next factor. Fabulous, fabulous. Congratulations. Well done, guys. खुश हैं. बहुत next factor में आ चुके हैं यार. खुशी मनाइए. मेरा नाम सोनिया चोपड़ा है. मैं 43 इयर्स की हूँ और पुणे से हूँ. ड्रीम सबसे बड़ा तो ये है कि मैं इतना अच्छा गाऊँ कि सोनू निगम मुझे पसंद कर लें और उन्हीं के लिए मैं आई हूँ. एंड आई शुड बी अपीलिंग टू हिम. नमस्ते सोनू जी, श्रेया जी और संजय जी. आई एम सोनिया. पर्सनैलिटी बड़ी जोरदार है. लगता है कि आपको नर्वसनेस हो ही नहीं रही आज. बहुत नर्वस हूँ लेकिन आप लोगों को देख के आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आई वॉज डाइंग टू सी यू. थैंक यू वेरी मच. वेलकम. आपके साथ में कोई आया है? जी हाँ, मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा है. अरे वाह. क्षमा चाहूँगा, आपकी उम्र क्या है? 43 ईयर्स. 43 ईयर्स. यू लुक हॉट. रियली? यस एब्सोल्युटली. यू लुक वेरी हॉट. Absolutely, you look great. Hot. Great, I've been dying since the 90s to date you. इतने साल तक कहाँ थी आप? बहुत लंबी कहानी है, सुनाऊंगी अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो. तो मतलब इशारा दे दिया कि सिलेक्ट कर लिया जाए आपको पहले. नहीं. चलिए पीला की होली से दिए. ट्रैक प्लीज. अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं. किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जुटाऊं. What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheena. की जलकारी. I'm too sexy for you. Thank you.
don't I get it? Tere hath pe kabhi na chhina kijiye pumari. I'm too sexy. Main tere hath na aane. Chhina kijiye pumari. I'm way too sexy for you. Main tere hath na aane. मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानेगी ना आप? मैंने आज तक इससे खराब गाना एंजॉय इतना नहीं किया कभी आज तक. क्योंकि आपने कभी कभी गाना रोक ही दिया. आप तो गा रही हैं बस बच्चे के लिए. आप डांस में इतने मग्न थी कि आपने सोचा कि आप कैटरीना कैफ बन चुकी हैं. और आपने फिर भी जो आपने एंजॉय कराया है, हैट्स ऑफ टू यू. मेरी हैट नहीं है बट चलो, बाल ऑफ टू यू. यू आर एन एंटरटेनर. आप में बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल इनहिबिशंस नहीं है जो परफॉर्मर इस स्टेज के लिए चाहिए. पर आपके पास सुर भी नहीं है तो प्लीज सो प्लीज मैं गा सकती हूँ. उसके बगैर हम क्या करेंगे? इफ आई जस्ट डोंट डांस प्लीज एक बार ट्रैक प्ले करेंगे. आई विल जस्ट सिंग. हमने कब कहा कि आप गा नहीं सकती हैं? पर आप सुर में नहीं गा सकती हैं. मैं गाऊंगी. मैं सुर में गा रही हूँ. बट वी विल मिस यू. वी विल मिस यू. नो आई डोंट वांट यू टू मिस मी. प्लीज मुझे एक बार सिर्फ एक ही लाइन बजाइए. आप पूरा गाना बजाइए मत. यू जस्ट लिसन फॉर अ मिनट. अब हो गया मजाक. नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. आई एम रियली सीरियस. मेरी बात सुनिए. नहीं गाएं. प्लीज प्लीज वंस जस्ट वंस. अगर आप चाहें वन ऑफ फाइनल डिसीजन. सोनू जी आप बताइए. नो एक्स फैक्टर. सॉरी नो. इट्स अ नो फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ अस. कैन आई जस्ट कम एंड हग यू एट लीस्ट? चप्पे चप्पे से भीड़ आई है यहाँ. यहाँ के सोलो पेयर्स ग्रुप्स, बच्चे बूढ़े हों या जवान, सब ने एक बात तो साबित कर दी है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती. मेरा नाम है राजेंद्र गढ़वी. मेरी एज है 63 और मैं रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और बचपन से रफी साहब के गाने में गा रहा हूँ. मेरे सपने अब एक रंग. स्टेज लाइन में लास्ट 40 साल से मैं परफॉर्मर कर रहा हूँ. राजेंद्र गढ़वी प्रेजेंट शाम में रफी करके मैं शो करता हूँ. मेरा एक्स फैक्टर ऐसा है कि ये 63 इयर्स में भी मैं परफॉर्म करके गाता हूँ. 63 एज में मुझे जो ये मौका मिला है तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है. नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र गढ़वी सर. मैं आपके नाम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ. थैंक यू सर. आप एक सुप्रसिद्ध अपनी फील्ड में गवैये हैं. फिर भी जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 63. ओ वाओ. आपको लगता है कि अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पानी बाकी हैं, ऐसे सपने हैं जो आपके पूरे नहीं हुए जो एक्स फैक्टर के जरिए पूरे होंगे? सपने ऐसे ज़्यादा तो पूरे हो गए लेकिन अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना फेम नहीं मिला तो शायद एक्स फैक्टर से मिल जावे. चलिए तो हम आपसे सुनना चाहेंगे आपका एक्स फैक्टर के लिए प्रेजेंटेशन. ट्रैक प्लीज. ये चांद सा रोशन चेहरा, गल्फों का रंग सुनहरा, ए झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें
कुछ ऐसी बला का जादू सवार वाला दिल को पर हो के रहा बेकाब आपका स्पिरिट, आपका स्टाइल, आपकी जो पैशन है, आपको जो कुछ हमारा लॉस है 40 साल अगर नहीं, हमने नहीं, आपको नहीं देखा तो 40 हमारा लॉस है। तारीफ करूं क्या आपकी, बहुत 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 मजा आया। और आपने पूरे ना केवल अपने गले से, अपने पूरे बॉडी से आपने थैंक यू उसको जाहिर किया। फैंटास्टिक सोनू जी, आपने कभी सोचा था कि 63 साल की उम्र में एक ऐसा फॉर्मेट आएगा जहाँ पर प्रतिभाशाली लोगों को 63 की एज में भी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा? मुझे इतना ऐसी उम्मीद तो थी कि आज नहीं तो कल मेरा टाइम आएगा, ये जरूर आएगा। क्या बात है। अगर आप यहाँ से आपका होना यहाँ पर सुनिश्चित हो जाता है तो उसके बाद में आपको एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हम लोग मिलकर आप पर काम करेंगे। जी जी। तो एट द एज ऑफ 63 क्या आप इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो पाएंगे? एकदम तैयार हूँ, रेडी हूँ। तो फिर मेरी तरफ से आप आ सकते हैं। आप जैसे जज है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बिग बिग यस टू यू। सुरेंद्र जी, जी आपको आज 2003 हाँ साथ में मिले आपको। जी, सो वेलकम एंड सी यू अगेन। तीनों जजेस ने आपको हाँ बोला। आज अगर रफ़ी साहब जिंदा होते और देखते कि इस उम्र में आपने गाया, आपने परफॉर्म किया, हमारे जजेस को खुश किया, तो वाकई में बहुत खुश होते हैं आपसे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे भी आगे करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। राजेंद्र गढ़वी ने साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है। इसी जिंदादिली का सबूत हमारे ऑडिशन में आए बहुत सारे सीनियर सिटीजन ने दिया, जो अपने साथ लाए मुंबई की मिलीजुली संस्कृति की एक झलक। साधना ग्रुप है, हम लोग चेंबूर से आए हैं और यहाँ पे सोनू निगम के सामने आज हमें माता की भेंट सुनाने का मौका मिला है, हम बहुत खुश हैं। कृपया जो भी आप गाना चाहें गाएं। अब आप माँ की वजह से आप एक्स फैक्टर से ऊपर उठ चुके हैं, तो हम आपको ना ना कहेंगे ना हाँ कहेंगे, हम आपको बस धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू सो मच।
मेरा नाम शरद भालेराव। मैं सबसे ज़्यादा फोक स्टाइल में गाता हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज तक किसी भी प्रकार का ऑडिशन नहीं दिया, लेकिन पहली बार लगा कि एक्स फैक्टर का ऑडिशन देना चाहिए। जो आदमी मेहनत और लगन से काम करेगा वो कभी हार नहीं खाएगा। नमस्कार। नमस्कार। काय म्हणतात? बस आराम चाललंय, तुमच्या आशीर्वादानं। तो आपका नाम बताइए। जी, मैं शरद भालेराव और जलगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो किस किस्म का गाना गाते हैं आप? मैं फोक स्टाइल ज्यादा से ज्यादा गाता हूँ। चलिए सुनाइए। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। ट्रैक प्लीज। शरद जी, आपके नृत्य में, आपकी आवाज़ में, आपकी भाव भंगिमाओं में एक स्वतंत्र था। मैं वाकई बहुत गदगद हो गया आपकी परफॉर्मेंस को देख के। आपको देख के स्फूर्ति चढ़ी। मुझे नहीं पता कि आप आगे चल के आगे क्या गा पाएंगे। ये परफॉर्मेंस अगर मुझे मार्क्स देने हो तो 100 out of 100। थैंक यू सर। मिट्टी की खुशबू आई भाई। और एक होता है ना कि यहाँ पे हम लोग तीनों आए हैं एक्स फैक्टर में जज बन के, तो आप जैसे परफॉर्मर जब आते हैं सामने तो यहाँ हमारा आना जायज़ होता है, कीमत और वक्त का वसूली होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई फोक म्यूज़िक को आगे लेके आया है, और मैं तो कोशिश में यही रहूँगी कि अगर आप आ गए तो आप मेरी टीम में हो। तीनों को मिलके कह देना चलो आई, तू जर इथे असती ना खरंच रडली असती तुझ्या मुलाचा विकास पाहताना। खरंच आज तुझी आठवण येते, तू असायला हवी होती। मुंबई ने जॅझ से लेके जागरण तक, रॉक ग्रुप से लेकर रास्ते के गाने तक, लावणी से लेकर रैप तक, जजेस को सब कुछ दिखा दिया है। अब अगला कौन आ रहा है भाई? मेरा नाम अमृता पांडे है और मेरी उम्र 27 साल है और मैं नासिक से आई हूँ। म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था। जैसे ही मैं रेडियो पे या टेप रिकॉर्डर्स पे गाने सुनती थी तो मैं गाने लगती थी, और चूंकि हम लोग छोटे शहर में रहते थे इसलिए उस समय अभी वहाँ कोई टीचर सिखाने वाला नहीं था। उसके बाद मेरी कम उम्र में शादी हो गई और मैं मना इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि पापा ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, मेरी एक लड़की और एक लड़का है। शादी, बच्चों और म्यूजिक को बैलेंस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आधा घंटा एक घंटे का टाइम मैं निकाल करके रियाज कर लेती हूँ। हस्बैंड चूँकि बहुत सपोर्ट करते हैं, वो कभी मुझे म्यूजिक अगर मैं करना चाहती हूँ कुछ आगे तो मुझे कभी रोकते नहीं है, जिस तरह से भी मैं करना चाहूँ। अमृता के अंदर भी कुछ टैलेंट है, बस हम इसको दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हाँ, टैलेंट ये नहीं है कि बहुत ही खूबसूरत लोगों में होता है, टैलेंट किसी में भी हो सकता है।
नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृता पांडे है। और आपके साथ कोई आए हैं? मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी दीदी आई हैं और मेरे दो बच्चे भी हैं छोटे। अच्छी बात है, अच्छा गाइए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। अमृता जी, जब आप यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि शायद आप बिल्कुल नहीं गा पाएंगे। आपकी आवाज़ इतनी नाजुक सी, जैसे गले से आवाज़ निकल ही रही थी। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था एक्चुअली। पता क्या, जब आपने गाना गाया तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगा जी। लेकिन मुझे लगा कि जैसे किसी मशीन की सफाई नहीं हुई होती ना जी। हाँ, तो ये ऐसी मशीन है जिसमें ऑयलिंग बाकी है। सही बात है, ऑयलिंग बाकी है। पर कुछ चीज़ें ऐसी आपने सरप्राइजिंग चीज़ें करी पर वो एकाध जगह की होप्स में तो पूरा गाना अच्छा नहीं लगता है। एक्स फैक्टर का मंच है, ये छोटा मोटा मंच है नहीं जी। यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल में आकर गाना पड़ेगा, तभी कहीं पहुँच पाएंगे। आपको देख के जो आपका ट्रैक शुरू हुआ वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने। मुझे लगा कुछ अलग किस्म का गाना गाएंगे। बट एक बहुत ही अच्छी बात मुझे जो लगती है आपकी, कि जो रेडियो सुन के, टेप रिकॉर्डर सुन के, सालों से घर में अपना काम करते हुए, बच्चों को बड़ा करते हुए, पढ़ाई करते हुए, जो जिसने ये गाना आपने जिस लेवल पे गाया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। बट ओवरऑल अगर मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसको मांझा जा सकता है, जिसको तैयार किया जा सकता है अगर मौका दिया जाए तो। तो मेरी तरफ से हाँ है। कुछ कुछ जगहों के लिए मुझे लगता है आपको दाद देनी चाहिए, पर यस, आप रोएंगी तो फिर हाँ, अब मैं कैसे बोलूं? अब कुछ बोलने के लिए रहा? आप रो क्यों रही हैं? ये तो खुशी का दिन है, आप रो क्यों रही हैं? रो क्यों रही हैं आप? I hate tears, Amrita. Come on, cheer her up. Amrita जी, मेरी तरफ से भी ये हाँ है। Thank you. तो आप एक्सपेक्ट में आ रही हैं। Oh,
बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज अमृता ने एक्स फैक्टर का पहला पड़ाव पार तो किया ही किया, उसके साथ मेरा भी नाम ऊंचा किया है। आई एम इंटरनेशनल लेवल एक्स फैक्टर। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद, मेरे पिताजी का नाम श्री लालधर प्रसाद। मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन आज जो साइंटिस्ट होता है उसको भी मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा भगवान ने मुझे ज्ञान दिया। मुझ में इतना पावर है कि मैं अपने संगीत से किसी को घर में से बाहर निकाल देता हूँ। ऐसा हमारी आवाज़ को सुन के मतलब आदमी मोहित हो जाता है। जय हो। क्या नाम है आपका महाशय? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद। एक बार वंस मोर प्लीज। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद। वंस मोर प्लीज। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। बहुत अच्छा नाम है आपका। कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, अमरनाथ में रहता हूँ। गाने से आपका क्या, कितनी नजदीक से संबंध है और कितने दूर से नाता है? बहुत नजदीक से संबंध है। और दूर से नाता भी है? दूर से ऐसा मैं दर्द मतलब ऐसा गीत गाता हूँ दर्द भरी, जिसमें रहता है कि मुर्दा आदमी भी जिंदा हो जाए। अच्छा, वेरी गुड। ऐसा ही आर्टिस्ट चाहिए था हमको स्टेज पे, फैंटास्टिक। एक्स फैक्टर का क्या मतलब है आपके लिए? एक्स फैक्टर मतलब होता है कि साहस, कि साहस के सामने पूरा ब्रह्मांड डगमगाता है। ऐसा डराएंगे तो आप कैसे ही चलेगा? मैंने ऐसा निश्चय किया है कि एक दिन ऐसा बनूंगा कि लता मंगेशकर से आगे तानसेन जैसा मैं एक दिन इस धरती का विराट संगीतज्ञ बनूंगा मैं। मैं प्रेरित होकर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कृपया अपना एक्स फैक्टर प्रकट करें यहां पर। ट्रैक प्लीज। बेजान दिल को, बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यारी की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यारी की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं फिर, मिलती है तन्हाइयाँ, कभी आंसू कभी आहे कभी सिकले कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए, मुझे दिल के जालों में तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए, मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यारी, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अगर मिले खुदा को जिसमें मुझे देकर मीठी
शीशे सा दिल क्यों बनाया, एक बात मुझे बताइए yes. आपको दुनिया में और कोई गाना नहीं मिला, मेरी पिक्चर का गाना मिला ऐसा एक मोहब्बत ऐसा चीज है कि जिससे मतलब हम मोहब्बत करते थे उसका शादी मतलब हो गया, तो टूटा हुआ दिल है, बर्बाद हो गया। ऐसा मैं गाता हूँ ना, अगर मैं कहीं से अभी सीखा नहीं वैसा मुझ में भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया, लेकिन ऐसा मैं बनूंगा कि तानसेन जैसा। तानसेन जब गाते थे तो बारिश होने लगता था, ऐसा दीपक जलने लगता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप वहाँ जाइए, बात करते हैं। सुरेंद्र जी, यस, जो सारा हमने मज़ा लिया है आपके साथ में, इसीलिए क्योंकि आपकी हिम्मत, आपके जज्बे और आपके जो अपने ऊपर आत्मविश्वास है उसको नमस्कार। आपका बहुत कायल हो गया मैं कि आप इतने हिम्मत से आपने आके बोला कि मैं लता मंगेशकर जी से भी ऊपर जाना चाहता हूँ। यस, जिसको आगे बढ़ना है उसको कोई रोक नहीं सकता। कि हमें रोक सके इस जमाने में दम नहीं, हमें रोक सके इस जमाने में दम नहीं, और हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। क्या बात, क्या बात है सुरेंद्र प्रसाद जी। स्ट्रगल इज लाइफ, टाइम इज मनी, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, माई थॉट इज वेरी ग्रेट, लेट द लाना विदान थ्रोर इन योर लाइफ, आई एम फर्स्ट पर्सन टू इंडिया लेवल वर्किंग, नॉट आई एम फर्स्ट पर्सन टू इंटरनेशनल लेवल वर्किंग, माई ड्रीम इज पावरफुल एनर्जी, ऑल यूनिवर्स माई अंडर एक्शन हैव मोर साउंड द चेकिंग, यस थैंक्स, गॉड ब्लेस यू विथ हिज लव दैट्स मेक्स एवरी डे जॉय टू लिव, थैंक्स, थैंक यू। एक्सपेक्टर बनूंगा मैं इंटरनेशनल। बहुत बहुत धन्यवाद, एक्सपेक्टर। अगले साल मैं आऊँगा तो अच्छे से तैयारी करके आऊँगा कि सोनू निगम जी अपने कंधे पे बैठा के आपकी ले जाएंगे। हाय, मेरा नाम निशांत है और मैं यहाँ पे बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अभी जो भी गाने गाता हूँ वो मैं अपनी हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट करता हूँ, मेरी हर खुशी में, मेरे हर दुख में, उसमें मेरे साथ रहती है और मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। स्टेट ऑफ माइंड मेरा ये है अभी कि बस करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए, इट्स ऑल लाइक ऑन द स्पॉट, जो भी होएगा ऑन द स्पॉट। आपका नाम बताइए। ओके, मेरा नाम निशांत है, मैं 19 साल का हूँ और मैं राजस्थान कोटा से यहाँ पे मैं पढ़ाई करने आया हूँ। तो आपका एम्बिशन क्या है, क्या बनना चाहते हो आपको, आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देख? मैं 5 साल के बाद अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एज अ स्टॉक लीडर देखना चाहता हूँ। तो म्यूजिक का फिर क्या होगा? म्यूजिक इज माई पैशन, इट्स माई लव, इट विल ऑलवेज स्टे विद मी, हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब आप कहते हैं म्यूजिक मेरा पैशन है तो आप अपने लिए गाते हो? अपने लिए और जो मुझसे जुड़ा हुआ है इंसान उसके लिए। कौन जुड़ा हुआ है आपसे? ऑब्वियसली आजकल सेक्शन 362 बहुत लागू होता है, लेकिन हाँ मैं आई एम स्ट्रेट, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाता हूँ। तो आपकी गर्लफ्रेंड आई हुई आपके साथ? नहीं, यहाँ नहीं आई, उसका इंटरव्यू था। तो आज आप उनके लिए, आप हमारे लिए गा रहे हो? आज भी मैं उसी के लिए गाऊंगा, मैं ऑडियंस के लिए नहीं गाता ऐसे, मैं आज भी उसी के लिए मन में दिमाग में रख के उसी को गाता। ट्रैक प्लीज। मस्ताना उस पे दिल दीवाना, दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना। निशांत, यू नो व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट यू, आप दिल से गाते हो। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं सुन ले या उसको याद करके आपने दिल से गाया। एक ब्राइट प्रोजेक्शन है आपके आवाज़ में, आप स्टेज के ऊपर आप आँख पकड़ के रखते हो। सो नाइस ऑफ यू। मेरा जहाँ तक मानना है निशांत, आई विश आप थोड़े से और गंभीर होते गाने की तरफ। आपके अंदर पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, दिख रहा है साफ कि
जितना आप में पोटेंशियल है उतना आपका प्रयत्न नहीं है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में ही बेहतर हैं। आप गाने को सीरियसली नहीं ले रहे? मैं सीरियसली सर लेता हूँ, असल में सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं शायद 40 घंटों से सोया नहीं हूँ सर, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मैं आज सिर्फ 2 घंटे सो के आया था। मैं दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज बट मैं आपको अगर आपको मौका दिया जाएगा तो आपको लगता है कि आप एक्स फैक्टर के पायदान पर खड़े उतर पाएंगे? क्योंकि आपने अभी तो ठीक ठीक गाया है, आपने ऐसा कोई ख़राब नहीं गाया है, पर आपने ऐसा नहीं गाया कि आपको बहुत आपकी बहुत तारीफ भी की जाए। मैं जानता हूँ तो आपके अंदर सिंसियर होने के गुण भी हैं या नहीं है? जी बहुत है सर, मैं बहुत सिंसियर हूँ। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है, पर सिंगिंग नॉट देयर। मुझे लगता है कि उसकी जो ये अलर्ट पर्सनालिटी है, जो दिल में आता है बोलता है, जो दिल में आता करता है, सच बोला उसने कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाता हूँ, आज ऑडियंस के लिए भी नहीं गा। देयर इज समथिंग नाइस ऑनेस्ट एंड सॉलिड अबाउट यू, सो पोटेंशियल इज देयर, इट्स गुड। थैंक यू एज अ पर्सन। अगर हम आपको पकड़ लें तो आप पोटेंशियल को पकड़ लेंगे? सर आप मुझे एक बार पकड़ के तो देखिए मैं क्या क्या पकड़ता हूँ, आप जान भी नहीं सकते। क्या मतलब है आपका? मतलब म्यूजिक से रिलेटेड सर, क्या क्या पकड़ता था उन नोट्स उन सुरों को लेकर सर। सोचना पड़ेगा संजय जी, थोड़ा ये तो गड़बड़ है। मेरी तरफ से हाँ, मेरे लिए हाँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेलकम टू एक्स फैक्टर। थैंक्स अ लॉट। जीना जो ना मिला है, हारना मुझे नहीं पता। जस्ट प्लेड हिमसेल्फ, ही इज ऑनेस्ट। बदमाश है, बदमाश प्ले किया उसने। बदमाश तो बहुत है। वाओ, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं एक वाइल्ड बच्चा हूँ अकॉर्डिंग टू जजेस, और मुझमें है एक्स फैक्टर। रात हो चुकी है, सारे कंटेस्टेंट्स हजारों लोगों के सामने, हमारे जजेस के सामने परफॉर्म कर चुके हैं। कुछ अपने रिजल्ट से बहुत खुश हैं और कुछ बहुत निराश, सिवाय एक। आइए जानते हैं उनकी दिल की धड़कन क्या कह रही है। नमस्ते, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिती है। साहिती, आज सबका ऑडिशन हो चुका है, सिर्फ आप बची हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? I'm waiting for my turn desperately and बहुत tensed हूँ मैं, don't know how it's gonna be there. Hi, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिती है। साहिती, yes. आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से हूँ। और क्या उम्र है आपकी? 24। और आप म्यूज़िक सीखती हैं? I've learned the basics in Carnatic music. I hope that आप अच्छा गाएंगी। All the best. Thank you very much. Sing well. Thank you. Let's have the track. ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। ये दिन को आज क्या हुआ है? झूमता ही गा रहा है, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। ओ दिल में खाब जागे जागे, हे निगाहें खोए खोए, डांस डांस। आज कुछ नसीब वो ही जिस
साहिती, आपने मेरे हिसाब से इस दिन का बहुत ही बेहतरीन अंत किया है। आई थिंक इट्स अ नाइस रॉ परफॉर्मेंस। आवाज रॉ है आपकी, आपकी सिंगिंग भी ब्राइट है। देयर इज समथिंग अबाउट यू, आप में ऑडियंस को झुमाने की आप में ताकत है और आपका आवाज बहुत ही बुलंद है, स्पेशली इन हिट द अपर नोट्स। यू आर वंडरफुल एक्चुअली। आपका अपीयरेंस, आपका ड्रेस देख के मुझे ये नहीं लगा था आप ये गाना चुन के आई हैं। गुड सरप्राइज। हाँ मेरी भी हाँ भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत है आपका एक्स फैक्टर में। गॉड ब्लेस यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट। आई एम प्राउड ऑफ माय डॉटर, तो एक्सपेक्ट में सेलेक्ट हुई। मुंबई के ऑडिशन खत्म, हाउ इज फीलिंग? गुड। सही थी जो लास्ट आई थी, इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। हाँ, और इसमें मतलब बहुत तराश के बहुत कुछ करने का। मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छे आने वाले हैं। अगली सीरीज देखते हैं। चलो मिलते हैं अगली सिटी में फिर से। यह है लखनऊ, अदब और अंदाज का शहर, शायरी और मौसीकी का शहर, और आज से ये जाना जाएगा एक्स फैक्टर का शहर। मेरे दिल के तार बज बार बार, ओ ये चल चल चलानू। यू आर अ बॉर्न परफॉर्मर। और चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में मैया। मैं चिल्ला के कहूंगी, मीडिया के सामने कहूंगी, तारीफ से ही रोऊंगा मेरा गाना। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक। बोलोगे कि हाँ ठीक है, तुम्हारा सूट नहीं लगा, तुम्हारा ये नहीं हुआ, ठीक है आउट। अभी ना जाओ छोड़ कर। ये कहूंगी कि दिल अभी भरा नहीं। मेरे हाथ में तेरा हाथ सारी जन्नत मेरे साथ हलचल